मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले, आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन द्वारा 101 वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि देश भर में आए हुए कोरोना महामारी संकट को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रकार सभी जगह ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन द्वारा भिवंडी तालुका कांबा गांव में गांवदेवी मंदिर व इतर परिसर में 101 जाड लगाने का निश्चय किया, जिसमें जाड लावा ऑक्सीजन वाड़वा कोरोना ला हरवा का संदेश देते हुए कांबा गांव सरपंच सुखदेव कांगो पाटिल, माजी सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य शैलेश कैलाश भोईर के शुभ हाथों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन भिवंडी चेयर प्रेसिडेंट कोडम प्रसाद, युवा प्रेसिडेंट राजू तड़गोपुला, सेक्रेटरी गंगाधर ईरवंतिनी, जनरल सेक्रेटरी एमुल श्रीनिवास व प्रशांत सुमन सामला, अशोक पतिपाका, रवि गुंडा, श्रीकांत मल्लेश, रंजीत और लायंस क्लब ऑफ भिवंडी के विनोद सिरसिल्ला के साथ कई समाज सेवक व पिट्टा ग्रुप के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। चलिए देखते इस कार्यक्रम के कुछ दृश्य। अभी तक तो जो पीरियड था कोरोना का पीरियड था, इसलिए सब लोग घर में पड़े थे और उसमें सबसे बड़ा इश्यू निकला कि ऑक्सीजन की कमी। तो इश्यू लेके हम लोग को सब हम एसोसिएशन वाले सोचे कि ऑक्सीजन के लिए अभी बढ़ाना जरूरी है। तो हम लोग ने पहला शुरुआत वृक्षारोपण से करते वो प्लानिंग के हिसाब से हम लोग ने फिर एक जगह ये कांबा गांव चुना है। तो यहाँ पर हम लोग ने 101 जाड़ लगाने का फिर और सबको ऑक्सीजन बढ़ाने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, ये गांव चुनने की वजह थोड़ा ये गांव चुनने की वजह यहाँ पर अभी जो बारिश का मौसम है और हरियाली है, जहाँ पर सिटी में ऐसा डेवलपमेंट की जगह पे है तो वहाँ पे जाड़ बचेंगे नहीं। तो एक ग्रामीण है, खुला जगह जैसे मंदिर है यहाँ पर गांवदेवी मंदिर, मंदिर के जगह पे अब पब्लिक भी आएंगे, उनको ऑक्सीजन भी मिलेगा और झाड़ भी बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग एक अच्छा लोकेशन यहाँ पर लिया है। कितना झाड़ लगा रहे? 101 झाड़ हम लोग पहला शुरुआत किए और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर संडे भी प्रोग्राम करें, क्योंकि हर संडे कुछ ना कुछ झाड़ लगाएंगे तो बाकी भी संस्था आगे आएंगी, बाकी भी मंडल देखेंगे। तो ये 3 महीने में जितना से ज़्यादा से झाड़ लगेंगे यहाँ पर पूरा इंडिया में तो उतना अच्छा अपने को पब्लिक को फायदा होएगा। पद्मशाली टेक्निकल टेक्नीशियन एसोसिएशन हम लोग का पूरा भारत में हमारा पद्मशाली समाज के लोग हैं, टेक्निकल टेक्नीशियंस में है बहुत सारे लोग, दिल्ली अपना सूरत मुंबई भिवंडी सिलसिला हैदराबाद ये सब जगह पे मेंबर्स हम लोग का है। और ये सब लोग का एम एक ही है कि अपने टेक्सटाइल का टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करे और एक दूसरे का शेयर करे टेक्नोलॉजी, उसका माध्यम से हम लोग ये स्थापित किया हुआ है। हम लोग का जो भी एडुकेशनल है टेक्निकली पॉइंट्स कुछ भी रहेगा, अपने टेक्नोलॉजी कैसा डेवलप करना है, हम लोग का जो क्रिएशन कैसा करना है, उसी का माध्यम से हम लोग स्थापित किया हुआ है 1984 में। और उस ये पहला मुंबई में स्थापित हुआ था, उसके बाद में अभी भिवंडी में ऑफिस लेके इनको इधर कर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नीशियन एसोसिएशन जो है ओनली पावर लूम के लिए करती है क्या, बाकी और अदरवाइज भी कार्य करती है? ये हम लोग का ये एम ये था, हम लोग जो भी स्थापित किया है लोग का एम ये था, एक दूसरे का कनेक्टिविटी बढ़े, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर करे। और ये हम लोग इन लोगों स्थापित करने का टाइम ये था कि 1984 का वो टाइम पे डोमिनेशन सब नॉर्थ इंडियंस का और दूसरा टेक्नोलॉजी सीखने के लिए थोड़ा मौका नहीं मिलता था। जो लोग मिलों में काम करते थे हमारा सीनियर लोग, वो लोग ने स्थापित करके अपना नीचे वाला जो जनरेशन है वो सब लोग को टेक्निकली सपोर्ट करने के हिसाब से एडुकेट करने के हिसाब से स्थापित किया हुआ है। वो लोग का दिन से हम लोग अभी तक ये आगे बढ़ रहे हैं, उनका नीचे से हम लोग सीख के एक 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 लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल में फोर्थ लेवल में काम कर रहे हैं सब लोग। मतलब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा जन अभी टेक्निकली कोर्स करके ये करके इतना इकोनॉमिकली हम लोग पावरफुल नहीं था, उसी के हिसाब से लोग स्थापित करके किया। अभी जो भी हम लोग टेक्निकली इतना मेंटेन कर रहे हैं कुछ भी हम लोग ऑब्जर्वेशन अभी सीख लिया अभी तक, वो उनका देन ही है। अब एक दूसरे का सीख के आया कोई ऐसा कॉलेज करके ये करके डिप्लोमा लेके मतलब ये करके बहुत जन ऐसा टेक्सटाइल में नहीं आया हुआ है अभी तक का, जितना हम लोग पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नीशियन के अंदर है और बहुत ज़्यादा सीनियर्स भी है, कोई अच्छा
क्रिएशन भी कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा इसमें से हुआ था, इसी के ऊपर से उपार्जन हो गया, उसी को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को भी इसमें टेक्सटाइल में इन्वॉल्व करने के लिए। पिट्टा ग्रुप में ओनली पद्मशाली रहेंगे क्या, अदर कास्ट के भी रहेंगे? ना, हम लोग पद्मशाली का है, हम लोग एक किया भाई, पद्मशाली के अंदर आठ कास्ट आते, सब कास्ट आते, वो सब लोग हम लोग का पद्मशाली के अंदर है। अच्छा, आप अभी तक अलग अलग राज्यों का नाम बताए थे, तो कुल आपके इंडिया में कितने लोग, कितने मेंबर होंगे टोटल? अभी तक हम लोग टेक्निकल मेंबर्स, टेक्नीशियंस जो भी है लेके आए, 450 प्लस मेंबर्स हैं अभी तक, और आगे भी हम लोग ब्रांचेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो सभी जगह पे एक एक सब ब्रांच इसके नीचे ब्रांचेस चालू करने के लिए देख रहे हैं। पिट्टा है पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नीशियन एसोसिएशन है, इसमें 1984 से जो स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे सीनियर है, हमारा जूनियर भी है और मिडिल में सब टेक्नीशियन, इसी का एक दूसरे का ऊपर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और ये प्रोजेक्ट जो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था, एक तो एनवायरनमेंट, जो ग्रीनरी बढ़ा के ऑक्सीजन दुनिया को और सब पब्लिक को ऑक्सीजन बढ़ाने का, जो पोल्यूशन को कम करने का वो मकसद है सबसे बड़ा, और उसका वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और उसमें अच्छा अच्छा सीनियर जो एकदम हमारा गुरु जैसा लोग है, चार जन ये कोरोना की वजह से ऑफ हुआ, और उससे एक हमको लगा कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जा रहा है पूरा पोल्यूशन की वजह से, इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाना हम लोग सोचा है। अच्छा, उनकी याद में आप लोगों ने मतलब इस तरह अध्ययन किया है, तो और किस तरह और आने वाले दिनों में कार्यक्रम करना चाहते हैं, या इससे पहले क्या क्या किए बताएंगे इस कोरोना काल में? पब्लिक सर्विस के लिए कुछ भी, मतलब जो पब्लिक को फायदा हो है और उसमें हमको भी कुछ सीखने के लिए मिले, जो भी प्रोजेक्ट सामने आएंगे हम लोग को सब करने के लिए तैयार। अच्छा, लोगों को या पद्मशाली समाज या दूसरे को कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? ये लोगों के लिए है, लोगों उसमें कोई कास्ट का कुछ नहीं है, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्या, हमारा कुल वृत्ति है, ये जो कपड़ा बनाना, कपड़ा का जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग कुल वृत्ति है, पद्मशाली है हम, इसके लिए हम लोग को गर्व होता है, इसके लिए वो पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नीशियन एसोसिएशन नाम लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें अदर कास्ट का इतना कोई है ही नहीं है, और ये नाम से हम लोग प्राउड है, इसके लिए ये नाम लगाना पड़ा, बाकी जो करना है पूरा पब्लिक। माझा नाव सुखदेव पांगा पाटील, मी गावाचा सबला रोड वगैरे सर्व रेड केलेले आहे, आणि बाकी काही थोडंसं पाण्याचं माझं प्रॉब्लेम आहे, एवढंच आहे, नाही बाकी सगळं क्लिअर आहे। नाही, आज जे पद्मशाली टेक्सटाईल टेक्निशियन असोसिएशन येऊन तुमच्या गावात जे वृक्षारोपण केलं आहे त्याच्याबद्दल सांगा ना तुमच्या म्हणणं। त्याच्याबद्दल मला हे वृक्षारोपण केलेलं मला फार आनंद वाटतो, तुम्ही केलेलं आणि त्यांना काहीतरी अजून सांगायची इच्छा वगैरे आहे लोकांना, संदेश वगैरे देण्या? ह्या लोक एवढी तुमची संस्थेची जमल्या, त्यांचा मी खूप खूप आभारी आहे। तुमच्या पद्मश्री टेक्सटाईल टेक्नॉलॉजी असोसिएशनच्या वृक्षारोपण एक वा कार्यक्रम तुम्ही जो आयोजित केला आहे, आता या कोरोनाच्या महामारीमध्ये सध्या ऑक्सिजनची पुरवठा भरपूर प्रमाणात कमी होतो, तर हा उपक्रम तुम्ही केला आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला मी आमच्या ग्रामपंचायतर्फे धन्यवाद करतो आणि गावातर्फे। आणि लोकांना काय संदेश वगैरे इच्छित? आताच्या या महामारीमुळे लोकांनी जरा आपल्या सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन पण केलं पाहिजे आणि वृक्षारोपण हे करणं गरजेचं आहे, कारण की ऑक्सिजनच्या हेतूने हा उपक्रम तुम्ही राबवता ही चांगली गोष्ट आहे। Thank you.